नमस्कार, हमारे खास शो में आप सभी का स्वागत है। चंद्र ग्रहण लगने वाला है, इस पर हम महा कवरेज करेंगे। हम आपको बताएंगे कि आखिर इस ग्रहण का क्या मतलब है, आखिर विज्ञान क्या कहता है इस ग्रहण को लेकर के, तो ज्योतिष क्या कहता है, इसका असर कैसा होगा आप पर, और क्या वाकई में कुछ डरने की बात होती, क्योंकि अमूमन जब सूर्य ग्रहण होता है या फिर चंद्र ग्रहण लगता है तो एक खौफ भी देखने को मिलता है। तो ये खौफ क्या निराधार है या वाकई में इसके पीछे कोई आधार है, इस पर हम बात करेंगे। और सबसे पहले आपको बता दें कि 3 घंटे का ये चंद्र ग्रहण होगा, उसके 9 घंटे पहले सूतक लग जाएगा। सूतक मतलब कि जो तमाम मंदिर उनके कपाट बंद हो जाएंगे, सभी शुभ काम बंद कर दिए जाएंगे। और टाइमिंग अगर आपको हम चंद्र ग्रहण का बताएं तो 16 जुलाई यानी कि आज देर रात 1:32 पर यानी कि 17 तारीख लग जाएगी, वो चंद्र ग्रहण शुरू होगा 4:30 तक यानी भोर तक ये चंद्र ग्रहण रहेगा। हालांकि इस बार ये जो चंद्र ग्रहण है वो आंशिक है और इसी के साथ ये साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण भी होगा। इसके पहले एक चंद्र ग्रहण लगा था जो कि पूर्ण चंद्र ग्रहण था, लेकिन खास बात यह कि 4:30 से सूतक लग जाएगा, तभी सब जो मंदिर के कपाट है वो बंद कर दिए जाएंगे, सभी जो खास कार्यक्रम है वो बंद कर दिए जाएंगे। कहाँ कहाँ पर इसका असर होगा वो भी हम आपको बताएंगे, कहाँ कहाँ पर ये चंद्र ग्रहण दिखेगा वो बताएंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चीजें इस चंद्र ग्रहण से जुड़ी हुई ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि ये चंद्र ग्रहण क्यों खास हो जाता है। इस बार चंद्र ग्रहण पर एक दुर्लभ योग बन रहा है, ये दुर्लभ योग क्या है वो जानिए। 149 साल बाद ऐसा योग है, गुरु पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण एक साथ हैं, आज गुरु पूर्णिमा की भी तिथि है और ऐसे में शनि केतु और चंद्र एक साथ धनु राशि में है जिसकी वजह से ये योग बन रहा है। और जुलाई सन 1870 को एक ऐसा ही योग बना था, उसके बाद अब जाकर ये योग बन रहा है। तो जैसा हम आपको टाइमिंग बता रहे थे कि 3 घंटे का इस बार का ये चंद्र ग्रहण है, रात को 1:32 पर शुरू होगा और कल सुबह 4:30 तक ये चंद्र ग्रहण रहेगा और ये साल का दूसरा आखिरी चंद्र ग्रहण है, दूसरा और आखिरी। इसके पहले एक और चंद्र ग्रहण था, वो पूर्ण चंद्र ग्रहण था, लेकिन कहाँ कहाँ दिखेगा, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ये तमाम देश हैं जहां पर ये चंद्र ग्रहण देखा जाएगा। और वैज्ञानिक भाषा में इसे हम खगोलीय घटना कहते हैं, लेकिन अगर हम इसको और विस्तार से समझे तो जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया से गुजरता है तब उस पर अंधेरा छा जाता है, जब सूर्य और चांद के बीच में पृथ्वी आ जाती है, पृथ्वी के आने से चंद्रमा पर प्रकाश पड़ना बंद हो जाता है तो वो काला सा दिखने लगता है। आंशिक ग्रहण में सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों जो है एक सीधी कतार में नहीं होते हैं, इस वजह से पूरी तरीके से पृथ्वी चंद्रमा को नहीं ढक पाती है। लेकिन हम बात कर रहे थे ग्रहण की, क्योंकि आज बड़ा ग्रहण है, इस पर क्या कुछ आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन चीजों से बचना चाहिए और इसका असर आपकी जिंदगी पर या फिर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर, देश पर, किसानों पर, सब पर कैसे पड़ेगा, उस पर बात करेंगे। लेकिन चंद्र ग्रहण लग रहा है तो आपकी जिंदगी में कितने परिवर्तन आएंगे, क्या असर होगा, और जो बातें कही जाती हैं, कई दफा कहा जाता है कि नहीं ये सही है जो हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं, जो हमारे बुजुर्ग हमसे कहते आए हैं, घर में दादी नानी बहुत सारी बातें बताती, बहुत सारी चीजें करने के लिए कहती है, लेकिन साइंस कई दफा इससे इत्तेफाक नहीं रखता। जबकि अगर हम ज्योतिष को देखें तो वो भी, एस्ट्रो भी साइंस का पार्ट माना जाता है और खगोल विज्ञान को अगर देखें वो भी साइंस का पार्ट है, तो यहाँ पर कुछ विरोधाभास की स्थिति अगर होती है तो क्यों होती है, कई सारी चीजें हैं, कई सारे सवाल आपके जहन में भी होंगे, उन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे चंद्र ग्रहण पर इस महाकवरेज के जरिए। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी जो कि ज्योतिषाचार्य हैं, प्रोफेसर विनोद शास्त्री जी ये भी ज्योतिषाचार्य हैं, उषा जैन जी जो कि प्रोफेसर हैं भूगोल शास्त्र की, और संदीप भट्टाचार्य जी सहायक निदेशक हैं बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च से। तो सबसे पहले हम जाएंगे संदीप जी के पास ही, क्योंकि अगर हम भौगोलिक स्थिति में देखें, अगर खगोल शास्त्र की स्थिति को देखें, तो दोनों ही चीजों को देखते हुए ये ग्रहण कितना बड़ा है। संदीप जी, इस ग्रहण के बारे में आप क्या कहेंगे? साल का दूसरा ग्रहण है, पहला आंशिक ग्रहण है, इसके पहले पूर्ण ग्रहण था जी। एक प्राकृतिक नजारा है, केवल धूप छांव की खेल ही है, पृथ्वी और चंद्रमा की अपनी कोई रोशनी नहीं होती है, और ये आप सूरज की रोशनी से चमकते हैं, इनके अपने अपने छाया होते हैं, जब ये एक दूसरे के छाया के अंदर घुस जाते हैं तो ग्रहण होते हैं। पृथ्वी क्योंकि बड़ी है तो इसकी छाया भी बड़ी है और लंबी भी है, और चंद्रमा उस छाया में जब भी घुस जाती है तो सूर्य चंद्र ग्रहण होता है।
इस बार चंद्रमा पूरी तरह उस छाया में घुस नहीं पा रहा है। हाँ। तो इसकी वजह से आंशिक ग्रहण है। चलिए ये आपने ग्रहण तो के बारे में समझाया कि ग्रहण क्या होता है, लेकिन अगर हम अपने धर्म को देखें या पुरानी बातों को देखें तो ये कहा जाता है कि इस ग्रहण का बुरा इम्पैक्ट ही होता है। पुरुषोत्तम गौड़ जी, क्या ये ग्रहण जो है सच में बुरे इम्पैक्ट के साथ आ रहा है, दुष्परिणाम इसके होंगे, बुरा असर होगा इसका? देखिए, सबसे पहले ये जो ग्रहण है ये चंद्र ग्रहण है, और ये चंद्रमा और पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आती है तो पृथ्वी की जो छाया से चंद्रमा जब ढकता है तो ये चंद्र ग्रहण होता है, और ये पूर्णमासी के दिन घटित होता है। आज पूर्णमासी है, गुरु पूर्णमासी है, और आज जो चंद्र ग्रहण देखने को आ रहा है जिसमें कि अभी यहाँ सूतक प्रारंभ हो गया 4:31 से, तो मैं सभी दर्शकों को यहाँ बताना चाहूँगा कि इस ग्रहण का अपना प्रभाव है, और प्रभाव इसलिए है कि जो आज 149 वर्ष के बाद में हमें जो आज स्थिति देखने को मिल रही है इस ग्रहण की, कि ऐसा क्यों हुआ कि चंद्र ग्रहण में इतनी बड़ी सब लोगों को डर सा, और एक ऐसा ये विपरीत ग्रहों की, राहु केतु शनि की और साथ में मंगल नीच का, इसके कारण ये यहाँ कई जगह भूकंप आदि और प्राकृतिक प्रकोप आदि भी संभावना दिखती है। मैं आपको विशेष तौर बताना चाहूंगा भारत का जो साउथ है वहाँ भी। चलिए, ये आपकी गणना कहती है विनोद शास्त्री जी, क्या वाकई में इस ग्रहण का सिर्फ दुष्परिणाम ही है? देखिए, ग्रहण का परिणाम दुष्परिणाम नहीं होता, ग्रहण एक खगोलीय होता है। लोगों के जहन में जब भी ग्रहण लगता है तो लोग इसे नेगेटिविटी के साथ ही जोड़ लेते हैं। नहीं, ऐसा कोई नकारात्मक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, खगोलीय घटना है। लेकिन चंद्रमा और सूर्य के साथ में जो खगोलीय घटना होती है ये साधारण घटना नहीं होती, क्योंकि आत्मा का स्वामी सूर्य है तो मन का कारक चंद्रमा है, और चंद्रमा मन को बहुत प्रभावित करता है, और मन को जो प्रभावित करता है, मन के जो निर्णय होते हैं वो चंद्रमा से प्रभावित होते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। इसलिए जब चंद्र ग्रहण होता है तो व्यक्ति के ही मन को नहीं, मन सिर्फ व्यक्ति जीव मात्र नहीं है, पृथ्वी का भी मन है, अन्य ग्रहों के भी मन होते हैं। खासतौर से जब चंद्र ग्रहण होता है तो पृथ्वी पर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं, पूरे जीव मात्र को प्रभावित करते हैं और हर इंसान को प्रभावित करते हैं, और जिनकी मनस्थिति बहुत कमजोर होती है जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, शिशु हैं, रोगी हैं, उनको भी प्रभावित करते हैं जी। इसलिए इनका प्रभाव जितने भी अच्छे निर्णय हैं, जितने भी बुरे निर्णय हैं, वो मन के द्वारा ही लिए जाते हैं, और चंद्रमा इनको सबसे ज्यादा अच्छा, तो ये आप बता रहे हैं। और हमारे साथ मैडम भी है, उषा जी, ये मन का कारक हुआ, और उधर खगोल शास्त्री कहते हैं कि ये सिर्फ एक खगोलीय घटना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। इस पर और विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इसका सीधा कनेक्शन हमारे समुद्र से भी है, हमारी धरती से भी है, क्योंकि हमने देखा है कि जब जब ग्रहण होते हैं तो हाई टाइड की सिचुएशन भी होती है, भूकंप के भी संकेत होते हैं। तो अगर इस ग्रहण को देखें तो प्राकृतिक तौर पर कितनी हलचल आप कहेंगी कि होगी या देखने को मिल सकती है? एक्चुअली जो ये इस ग्रहण की वजह से या जब ऐसी स्थितियां होती हैं तो हाई टाइड्स आने की संभावनाएं रहती हैं, साइक्लोन्स आने की संभावनाएं रहती हैं, मौसम में परिवर्तन होने लगता है, तो जिस दिशा में हवाएं तेज चल रही हैं, जहां एयर प्रेशर की स्थिति हाई और लो है, उन एरियाज में ये संभावनाएं रहती हैं कि वहाँ तेज बारिश आ सकती है, वहाँ पर हाई टाइड्स की वजह से माहौल में परिवर्तन आ सकता है, और साथ ही क्योंकि पूरी पृथ्वी पर ये जो स्थिति है, पृथ्वी जो है वो कई सारी प्लेट्स की बनी होती है, जब ये हलचलें होती है तो ये प्लेट्स भी हिलने लगती हैं, और ये प्लेट्स जब हिलती हैं तो भूकंप आने की संभावनाएं ज्यादा बनने लगती हैं। अच्छा। तो हिमालय रीजन में इस तरह की संभावनाएं होने की स्थिति बन रही है। चलिए भूगोल से खगोल पर फिर स्विच करते हैं। संदीप भट्टाचार्य जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, एक इत्तेफाक कहेंगे क्या ये कि अगर अपोलो मिशन 11 की बात की जाए, जब धरती से कोई इंसान चांद पर पहुंचा था, पहली बार कोई इंसान इसी मिशन के जरिए चांद पर कदम रखता है, उसके 50 साल पूरे होते हैं और आज ये ग्रहण भी है, क्या कोई कनेक्शन इस पे जोड़ सकते हैं हम? नहीं, ये महज एक इत्तेफाक है। आने वाले 10-15 सालों के बीच में हो सकता है कि कोई भारतीय इंसान चंद्रमा पर कदम रखे, उस समय भी कोई ग्रहण हो। लेकिन जो इंपैक्ट्स की बात की जा रही है कि अभी आपने सुना यहाँ पर जो ज्योतिषाचार्य बैठे हुए हैं, तो कि मन का कार्य पर जब
जी सर, जहाँ पर आदमी चंद्रमा के सीने पर चहलकदमी कर रहा है, छलांग लगाया है, गाड़ी चलाया है, उसकी उसके बाद अगर हम चंद्रमा को मन के कारक के हिसाब से आज भी सोचते रहे तो मुझे मेरे ख्याल से हमें आज से 1,500 साल पीछे जाके रहना चाहिए। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर विनोद शास्त्री जी, जो हम बात कर भी रहे थे कि साइंस के दोनों ही पार्ट है, हम कहते हैं कि एस्ट्रो भी साइंस का पार्ट है और खगोल शास्त्र भी साइंस का पार्ट है, तो फिर डिफरेंस क्यों, ये जो विरोधाभास की स्थिति है वो क्यों है, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? विनोद शास्त्री जी, आपने कहा था कि चंद्रमा मन का कारक है, लेकिन सर कह रहे कि अगर ऐसी स्थिति है तो हमें बहुत साल पीछे जाना होगा। देखिए, शास्त्रीय व्यवस्था है, ये विवाद का विषय नहीं है। अच्छा। और जहाँ तक चंद्रमा मन का कारक है, ये मन का ही कारक है, इसमें कोई दो राय नहीं कि माता के पेट पर बच्चे लात भी मारते हैं, चलते भी हैं, कारें चला लें चंद्रमा पर, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन चंद्रमा और सूर्य, जैसे सूर्य भी हमारे आत्मा का कारक है, मन का चंद्रमा कारक है, कारक है शास्त्रीय दृष्टि से, और इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं, लेकिन प्रयोगशाला में दिखाने वाली स्थिति नहीं होती है कि जैसे केमिस्ट्री के लेबोरेटरी में जैसे दिखाया जाए। लेकिन ये हमारी अनुभूति है, और ये जो विद्वानों ने लिखा है, वैदिक ऋचाओं में जो सारी चीजें आई हैं, ये वैसे ही नहीं है, उनकी ऋषियों की तपस्या के द्वारा उन्होंने ये सिद्ध किया है। लेकिन ये शास्त्री यहाँ पर कह रहे हैं पुरुषोत्तम जी की ये सिर्फ मिथ है, और इस मिथ के जरिए हम सिर्फ पीछे जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। जो भारत की तरफ से चांद पर पहुंचने की बात कही जा रही है, उसमें एक बड़ा हर्डल है। लेकिन आज जो इत्तेफाक की हम बात कर रहे थे कि 50 साल पूरे होते ऐसे मिशन को लॉन्च हुए जिसके जरिए इंसान पहली बार चंद्रमा पर कदम रखता है, तो क्या आप भी सिर्फ एक इत्तेफाक मानेंगे या इसके पीछे कुछ और भी वजह आपको लगती है? देखिए, यहाँ ये बात ठीक है कि आज 21वीं सदी के दौरान ये चीज संभव हो रही है, पर मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं कि ये जो हम इसको किसी भी विवादास्पद स्थिति में न लें, ये वास्तव में ठीक बात है। जैसे कि मेरे बड़े भाई डॉक्टर विनोद शास्त्री जी अभी बतला रहे हैं कि सूर्य आत्मा का कारक है और चंद्रमा मन का कारक है, तो चंद्र ग्रहण की स्थिति एक अलग चीज है और ये एक अलग प्रश्न है। मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं कि मन का कारक, जो मन का स्वामी है, वो चंद्रमा है। अच्छा। और चंद्र ग्रहण आज है, तो चंद्र ग्रहण का उससे कहां ये क्या मैच कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पाया। अच्छा, और ये सूतक की बात कही जाती है, अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में हम सूतक को समझे, खगोल शास्त्री के नजरिए से संदीप भट्टाचार्य जी, हम सूतक को समझे, क्योंकि यहाँ पर दूसरी तरह की बातें कही जा रही कि मन का कारक सूर्य चंद्रमा है, और अगर हम बाकी चीजों को देखें तो अलग अलग तथ्य यहाँ पर, अलग अलग दलीलें हैं, तर्क हैं। लेकिन अगर हम सूतक को साइंटिफिक लैंग्वेज में समझे, आपकी नजर में देखें, तो ये सूतक क्या है? मुझे नहीं समझ में आता। एक चीज मैं कह सकता हूँ कि देखिए, किसी भी छाया की एक उपछाया भी होती है, तो चंद्रमा की छाया की भी उपछाया है, और वो पृथ्वी की छाया की भी अपनी उपछाया है, और ये उपछाया चंद्रमा की सतह पर बहुत एक्चुअल ग्रहण के बहुत पहले ही पहुंच जाएगा। अच्छा। अगर आप इनको सूतक मानते हैं तो हो सकता है, लेकिन मुझे एक्चुअली पता नहीं है। लेकिन भट्टाचार्य जी कहते हैं कि सूतक में ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, बहुत सारे यहाँ पर रूल्स बनाए हुए हैं, मंदिर के कपाट तक बंद हो जाते हैं, तो क्या आप इसे जस्टिफाई कर पाते कि हाँ, ऐसी सिचुएशन में कुछ साइंटिफिकली ऐसी चीजें हैं जिसके जरिए इसको जस्टिफाई किया जा सकता है, या फिर नहीं? देखिए, ज्योतिष और खगोल में हमेशा से ही फर्क है। ज्योतिष में गणित और फलित, ये दोनों चीज होते हैं। अच्छा। हम खगोल में केवल गणित के बात करते हैं, फलित से हम बहुत दूर रहते हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। और अगर ये पुरानी सोच जो विचार है, अगर इसी में आप उलझे रहेंगे तो आने वाली समय में आप उलझे ही रहेंगे, इससे बाहर निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। जी। और किसी भी सिविलाइजेशन के लिए, किसी भी सभ्यता के लिए बहुत अच्छा होता है, और उसके लिए हेल्थ, उसके हेल्थ और बात का खंडन हो गया है कि समय के साथ आप आगे बढ़े, और पुरानी मान्यता है जो एक और बात का खंडन हो गया। पहले भट्टाचार्य जी ने कहा कि मन का कारक चंद्रमा जो आप बता रहे वो गलत है, आप सूतक को लेकर जो तमाम तरह की बातें कही जाती हैं उसका भी खंडन हो गया कि ये सूतक कुछ है ही नहीं, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि हमने बहुत बड़ा एक बचपन से जो सुनते आए हैं या पूरे समाज में जो बना रखा है सूतक को लेकर के, आज हर एक मंदिर के कपाट बंद मिलेंगे, कोई मंदिर खुला नहीं मिलेगा, तो क्या ये सिर्फ भ्रम जाल है? विनोद शास्त्री जी,
देखिए भ्रमजाल नहीं है, सूतक है, ये भी पूर्ण वैज्ञानिक है कि जब अच्छा। ग्रहण होता है तो केतु और चंद्रमा एक साथ होते हैं। केतु चंद्रमा एक साथ होने से मन स्थितियाँ ठीक नहीं रहती हैं, और ऐसी स्थिति में जब मन स्थिति ठीक नहीं रहे कि हमें कोई भी किसी भी तरह का, जैसे जनना सोच होता है कि बच्चा होता है तो आशोच होता है, मृत्यु होती है तो आशोच होता है, हम उसमें बहुत दुखी होते हैं, वैसे ही जब ग्रहण होता है तो ग्रहण भी हमारे सूर्य पिता के रूप में माना जाता है, चंद्रमा भी हमारे सारे पितर वहां पर बसते हैं कि विदो ऊर्ध्व भागे पितरो वसंति, कि चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग पर पितर रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में हालांकि इसे चाहे दकियानुसी माना जाए, पुराने विचार माने जाए, लेकिन शास्त्रीय दृष्टि से कि हमारे ऋषियों ने जो बताया है उसी को हम कोट करते हैं कि ये अलग है कि आम आदमी के लिए ये छाया मात्र है, लेकिन हमारे लिए ये ग्रहण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसीलिए जब वो सूतक उसका उससे पहले उसमें आशोच प्रारंभ हो जाता है, ग्रहण होने से पहले जब छाया प्रारंभ होती है, ऐसे स्थिति में जो भी कई सारे ऐसे कार्य के खान पान व्यवहार इनमें बहुत सावधानी जरूरी है, ऐसे समय में यदि मंत्र जप यदि किया जाता है तो उससे मानसिक एक इस पे भी विरोधाभास है, उसका जवाब पुरुषोत्तम जी से लेना चाहूंगी, समझना चाहूंगी। पुरुषोत्तम जी, एक तरफ कहते हैं कि जब आप दुखी होते हैं तो आप भगवान की शरण में जाते हैं, आप परेशान होते मन का कारक चंद्रमा, अगर वो ग्रहित है तो मन अच्छा नहीं है, तो ऐसे में भगवान के कपाट क्यों बंद कर दिए जाते, मंदिर के कपाट क्यों बंद कर दिए जाते, पूजा पाठ क्यों बंद कर दिया जाता और सिर्फ मानसिक जाप की बात क्यों कही जाती है? क्या दीप वगैरह भी जला सकते हैं क्योंकि उस पर भी बैन हो जाता है कि नहीं आप ये मत कीजिए, तो इसके पीछे क्या रीजन? देखिए ये भारतीय ज्योतिष भारतीय धर्म शास्त्र एक प्राचीन विज्ञान के रूप में है, बड़ी साफ बात है कि ग्रहण के शुभारंभ होने से पूर्व 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है, जैसा कि आज 4:31 से सूतक प्रारंभ हो गया, सूतक के दौरान ये माना जाता रहा और हमारा शास्त्र सम्मत भी यही है कि सूतक के दौरान वयोवृद्ध या बच्चे या अस्वस्थ व्यक्ति को छोड़ करके भोजन करना भी निषेध माना जाता है। इस दौरान भगवान के यहाँ कोई कपाट भी नहीं खोले जाते हैं। शाम को आप अच्छा, इस समय आप देखेंगे कि आरती भी नहीं होंगी और मंदिरों में कोई आरती किसी तर्क के साथ इसको सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि भट्टाचार्य जी ने खारिज कर दिया, उन्होंने कहा मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन देखिए भट्टाचार्य जी साइंस का पार्ट है तो किस तर्क के साथ इसे हम सही बताएं कि हाँ ये सही है? देखिए भट्टाचार्य जी एक भूगोल शास्त्र के हैं और भूगोल शास्त्र ये बात सही है, गणित पर होता है, और हमारा ज्योतिष शास्त्र और धर्म शास्त्र एक प्रमाणित बात पर ही है, ये कोई किसी प्रकार का ढपोसला नहीं है। अच्छा। या कोई किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं। यहाँ मैं बड़ी स्पष्ट कर दूं कि ये सूतक के दौरान यहाँ तक है कि हम लोग जब तब जो करते हैं उसका अनंत पुण्य फल प्राप्त होता है। अच्छा। इस दौरान दान धर्म का भी बड़ा महत्व होता है। लेकिन विरोधाभास कई सारे हैं। अब जैसे हवन होगा कि नहीं होगा, कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं हो सकता है, कुछ लोग कहते हैं दीप जलाए कि नहीं जलाए, दिया जलाए भगवान के सामने कि नहीं जलाए, क्योंकि अब शाम के समय पे अगर सूतक लगा है तो ऑब्वियसली दिया जलेगा कि नहीं जलेगा भगवान के सामने, आज ये कई सारे सवाल होते हैं, इसमें लोग उलझ जाते हैं। सुषमा जी आपने बड़ा अच्छा प्रसंग रखा है सभी दर्शकों के समक्ष। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस दौरान केवल मानसिक जप के साथ साथ कई लोग बैठ करके और सत्संग या सीताराम नाम का या किसी नाम का जप भी करते हैं, हवन भी करते हैं, और दीपक आदि या हवन आदि वैसे शास्त्र मत के हिसाब से। चलिए ठीक है सर। उषा जी अभी हमने अलग अलग विचार देखे, भट्टाचार्य जी कहते हैं सूतक कुछ नहीं होता, वो कह रहे सिर्फ एक खगोलीय घटना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपकी नजर में सूतक है कि नहीं है? क्योंकि अगर आप धरती की संरचना की बात करें, उसके अंदर जो उथल पुथल होती है, जो तमाम तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, क्रियाएं होती हैं, उसको देखते हुए सूतक को आप कैसे डिफाइन करेंगे, मानेंगे कि नहीं मानेंगे? एक्चुअली सूतक तो इसीलिए बोला गया है, पुराने टाइम से सभी बोलते आ रहे हैं कि सूतक में क्या एक्चुअली जो खगोलीय घटनाएं होती हैं या मौसम की जो घटनाएं होती हैं, कहीं तूफान आ सकता है, कहीं बारिश आ सकता है, तो वो जो तेज कहीं साइक्लोन्स आ सकते हैं, तो इसीलिए बाहर निकलना मना कर दिया जाता है। इस ड्यूरेशन में क्या धरती के अंदर कुछ फेरबदल होते हैं, परिवर्तन होते हैं?
परिवर्तन होते हैं कहीं, इसीलिए क्योंकि हवाओं की जो में कहीं पर हाई टाइड्स आने, टाइड्स की वजह से कहीं पर परिवर्तन होता है, कहीं पर साइक्लोन्स की वजह से परिवर्तन होते हैं और कहीं पर तेज हवाएं जो चलती हैं उस वजह से जो परिवर्तन होता है, इसीलिए बाहर जाने के लिए मनाई की जाती होगी ऐसा मैं सोचती हूँ। चलिए ठीक है, ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत सारे सवाल हैं तमाम युवाओं के जहन में, क्योंकि उनके घर में बुजुर्ग उनको एक नई नई बातें बताते हैं जब जब ग्रहण होता है, और खासतौर पर आज जब कहा जा रहा कि इतना अलग संयोग बन रहा है 49 साल बाद, और खासतौर पर पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा के साथ जब ये ग्रहण है, तो इसमें बहुत सारे सवाल हैं, उन पर हम बात करेंगे, क्योंकि खगोल शास्त्र कुछ और कहता है और रेस्ट्रो कुछ और कहता है, ज्योतिषाचार्य कुछ और कहते हैं। तो ग्रहण को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, इसके तमाम प्रभावों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, खगोल शास्त्र किस नजरिए से देखता है और हमारा एस्ट्रो किस नजरिए से देखता है। देखिए अब कुछ चीजें कहते हैं जो हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि खासतौर पर गर्भवती महिलाओं के लिए ये जो ग्रहण होते हैं बहुत खास होते हैं, बहुत सारे प्रिकॉशंस उनको लेने चाहिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं करनी चाहिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए बहुत सारी बातें कही जाती हैं, और साथ ही साथ ये कहा जाता है कि जिस समय ग्रहण काल हो उस समय सोना नहीं चाहिए। तो पहले अब खगोल शास्त्री जो हमारे साथ हैं उनके नजरिए में देखते हैं कि ये जो तमाम इफ एंड बट्स हैं या जो डूज एंड डोंट डूज वाली बात है कि डोंट डू, तो उस पर क्या वो कहेंगे। सर आप भट्टाचार्य जी कहते हैं कि गर्भवती जो महिलाएं हैं वो अपने पास कोई धारदार चीज नहीं रखें और जिस समय ग्रहण हो उस समय बाहर नहीं निकलें, और ये कहते हैं कि ग्रहण को देखना भी नहीं चाहिए, ये भी कहा जाता, तो उस पर आप क्या कहेंगे? क्या वाकई में ग्रहण को देखने से कुछ नुकसान होता है गर्भवती महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को? पहली बात है कि साइंस इस मामले में कुछ बात ही नहीं करता है, क्योंकि इसमें कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है ही नहीं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर इसको आप देव और दैत्य के बीच में लड़ाई भी माने तो यहाँ पर देवता भी कहाँ है और दैत्य भी कहाँ है। अगर मैं मान भी लो कि चंद्रमा एक देवता है तो दैत्य कहाँ है? ये लोग हमारे ज्योतिषाचार्य लोग कहते हैं यहाँ पर राहु और केतु दैत्य है, लेकिन दैत्य ये इनविजिबल दैत्य, यहाँ पर राहु और केतु के नाम से कोई चीज है ही नहीं। हाँ है, लेकिन वो काल्पनिक केवल मात्र लेकिन भट्टाचार्य जी ऑरा वाली बात जो आती है, तो कोई अच्छा इसको इस तरीके से समझ सकते हैं एनर्जी के फॉर्म में, क्योंकि हमारी साइंस कहती है एनर्जी, और उसी को अगर हम देखें हमारे धर्मशास्त्र जो है उसी एनर्जी के चीजों को डिफाइन करते थोड़े से दूसरे वे में, तो एनर्जी के लिहाज से, ऑरा के लिहाज से ग्रहण में क्या कुछ वाकई में नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं अगर इस तरीके से देखें? अगर आप इसलिए यहाँ से बातें करेंगे तो मुझे आपको कहना पड़ेगा कि साइंस सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करता है। हो सकता है बहुत कुछ चीज़ें हैं जो साइंस के पड़े हैं, लेकिन जो साइंस के पड़े हैं हम उसके बारे में जब तक वो सिद्ध नहीं होता है तब तक हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते। लेकिन ऐसी खगोलीय घटनाएं क्या वाकई में बहुत आसान करेंगी चीजों को समझने के लिए, क्योंकि अभी बहुत सारे सवाल हैं, जैसा आपने कहा कि बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं दिया जा सकता फैक्ट्स के साथ, तो ये उस कड़ी में अगर हम आगे माने तो इसमें शायद कुछ और सोल्यूशन निकल सकता है, कुछ और राज खुल सकते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि पुराने जो मान्यताएं हैं किसी समय के हिसाब से वो शायद सही था, लेकिन आज 21वीं सदी में कुछ मान्यताएं जो पुराने पड़ चुके हैं जो हमारे काम के नहीं है वो हमें पीछे छोड़ देना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। चलिए फटाफट हम पुरुषोत्तम जी से और विनोद शास्त्री जी से भी जान लेते हैं। विनोद शास्त्री जी बहुत संक्षेप में बताइए, क्या वाकई में गर्भवती महिलाओं को प्रिकॉशन लेनी चाहिए या और क्या कुछ खास ऐसी बातें जो आप बताना चाहेंगे इस ग्रहण के दौरान जो नहीं करना चाहिए या करना चाहिए? देखिए वैसे जो भट्टाचार्य जी हमारे देश के माने हुए खगोल शास्त्री हैं इसमें कोई दो राय नहीं, उन्होंने बहुत अच्छी राय दी है 21वीं सदी के लिए, लेकिन वास्तविकता है कि जो शास्त्रीय व्यवस्था है उसके हिसाब से गर्भवती महिलाओं को यथासंभव ग्रहण से दूर रहना चाहिए, पर आम आदमी को इस सूतक में जो वर्जनाएं हैं कि जितने भी हैं कि कई सारे ऐसे व्यवहार हैं जो आमोद प्रमोद के हैं वो नहीं करने चाहिए। अच्छा। और अपने मन को केंद्रित करने के लिए जप तप और दान पुण्य करने चाहिए। पुरुषोत्तम जी ग्रहण के दौरान सोना चाहिए नहीं सोना चाहिए, ये कोई भ्रम है या इसमें हकीकत है, क्या संक्षेप में? देखिए ग्रहण के दौरान सोने की बात करें तो सोना
वैसे शास्त्रोक्त बात करें तो निषेध है इस दौरान में जब तप और भजन आदि का भगवान का ध्यान आदि करना चाहिए। लेकिन विशेष तौर पर एक बात बताना चाहेंगे कि यदि आप सोते भी हैं तो कृपा करके आप जो गर्भवती महिलाएं वो बाहर नहीं निकले और अच्छा, सोते भी हैं तो ध्यान ध्यान भगवान से होना चाहिए। एक सात्विक शुद्ध विचार उषा जी संक्षेप में आप क्या इन बातों से इत्तेफाक रखती हैं संक्षेप में? बिल्कुल साइंटिफिकली तो मैं इन सभी बातों से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। अच्छा अगर ऐसा होता तो जैसे जैन धर्म में इन सभी चीजों को बिल्कुल भी नहीं माना जाता है और उसका इफेक्ट भी मैंने कभी नहीं देखा। अच्छा। और समाज में देखने को भी नहीं मिलता है तो हाँ। ये जब तक प्रूव नहीं हो जाता है। अच्छा। संदीप जी ने चलिए बहुत सारी चीजें हैं जो मान्यताओं पर चलती है, बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम मानते हैं लेकिन उनके फैक्ट नहीं है, वो प्रूफ होनी बाकी है। और खासतौर पर खगोलीय घटनाएं ये एक बहुत बड़ा विषय है क्योंकि कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड इससे चल रहा है, इसका असर हम पर होता है लेकिन बहुत सारे राज हैं जिन पर से पर्दा नहीं उठा है। और माना जाता है कि जो इस तरह की इवेंट्स होते हैं, घटनाएं होते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं, उनसे इन राज से पर्दा उठता है। और यह भी माना जा रहा है कि खगोल शास्त्री इस ग्रहण के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस पैनल में जुड़ने के लिए, तमाम चीजों को समझाने के लिए। तो फिलहाल यही कहेंगे कि चंद्र ग्रहण है, बहुत सारी चीजें अनसुलझी हुई हैं, उनको आप सुलझा नहीं सकते लेकिन हाँ कुछ ख्याल अपना रख सकते हैं। और अगर हम एकाग्रता की बात करते हैं तो शायद कभी भी गलत नहीं होता, तो एकाग्र चित्र होकर चित्र होकर के अगर आप आज अपने काम को देखते हैं तो शायद बहुत बेहतर होगा। फिलहाल के लिए शो में इतना।